लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको महसूस करना चाहिए कि आपकी वो इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी इच्छा की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी और आपकी वो इच्छा मैनिफेस्ट नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग महसूस नहीं कर पाते हैं और अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताने वाला हूँ कि चाहे आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस कितनी भी कम क्यों ना हो, आप अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। अब्राहम हिक्स ने अपनी किताब आस्क एंड इट इज गिवन में 22 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताए हैं, जिनमें से केवल एक टेक्निक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उस टेक्निक का नाम है दी प्रोस्पेरिटी गेम। दी प्रोस्पेरिटी गेम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नए विचारों को सोचने की काबिलियत, अपनी डिजायर और उम्मीदों को बढ़ाकर और महसूस करके, ये गेम ढेर सारे पैसों को आकर्षित करने में आपकी मदद करता है। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी पावरफुल इसीलिए है क्योंकि जितने पैसे आपकी ज़िंदगी में इस वक्त हैं, उससे आपका ध्यान हटाकर, यानी पैसों की कमी से आपका ध्यान हटाकर, जितने पैसे आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करने में ये टेक्निक आपकी मदद करती है। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस के अनुसार आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को आकर्षित करता है, तो ये टेक्निक पैसों को लेकर आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में मदद करता है, और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाकर आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। हाउ टू प्ले दी प्रोस्पेरिटी गेम। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक इमेजिनरी अकाउंट बनाना होता है, और इसमें कोई रियल अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उसी तरह से पैसे डिपॉजिट और विड्रॉल करने हैं जैसा आप एक रियल अकाउंट में करते हैं। आप एक पुरानी चेकबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त आपके कोई काम नहीं आ रही हो, और आप एक नोटबुक को चेकबुक रजिस्टर की तरह इस्तेमाल करके अपने अकाउंट से रिलेटेड सभी डिटेल्स के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि चेक जमा करने की डिटेल, पैसे निकालने की डिटेल और बाकी सभी डिटेल्स। ये सभी डिटेल्स फेक होंगी, लेकिन आपको इसे इस तरह से प्रैक्टिस करना है जैसा कि आप एक रियल अकाउंट चला रहे हैं। अब्राहम हिक्स कहती है, पहले दिन आपको अपने अकाउंट में $1,000 जमा करने हैं और उन पैसों को उसी दिन खर्च करने हैं, यानी आपको अपने चेकबुक रजिस्टर में $1,000 जमा करने की एंट्री लिखनी है, फिर आपको एक चेक लिखकर बताना है कि आप उन पैसों को कहाँ खर्च कर रहे हैं। या तो आप एक चेक से सारे पैसे एक साथ खर्च कर सकते हैं, या फिर अलग अलग चेक लिखकर खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे दिन आपको अपने अकाउंट में $2,000 जमा करने हैं, तीसरे दिन $3,000 जमा करने हैं और चौथे दिन $4,000 जमा करने हैं। इसी तरह से जब 50 दिन पूरे हो जाएंगे, तब आपको अपने अकाउंट में $50,000 जमा करने हैं और 300 दिन के बाद अपने अकाउंट में $300,000 जमा करने हैं। और यदि आप इस खेल को एक साल तक खेलते हैं, तो आप अपने अकाउंट में $66 मिलियन जमा कर चुके और खर्च कर चुके होंगे। इस गेम को खेलने का पॉइंट ये है कि जब आप इस गेम को कुछ हफ्तों तक खेलते हैं, तब आपका फोकस बहुत सारे पैसों को खर्च करने पर होता है, तो इस गेम को खेलने से पैसों को लेकर आपके इमेजिनेशन की क्षमता बढ़ती है, और जब आपका ध्यान अपने मन चाहे पैसों को आकर्षित करने पर होता है, तब आपकी ज़िंदगी में ढेर सारे पैसे आकर्षित होते हैं। और ये बहुत आसान सा गेम पैसों को लेकर आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में मदद कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।